हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। आज की वीडियो जो रहेगी हमारी एमसीक्यूज क्लास रहने वाली है। हम सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे आज की वीडियो में, जो कि हमारा होगा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा आपका आपका सौर मंडल की बात आज हम करने जा रहे हैं। उसके उससे रिलेटेड जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सिक्स क्लास की सारी वीडियोस जो है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाने जाने वाले प्लैनेट को क्या कहते हैं, यानी ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट भी कहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ बृहस्पति दिया गया है, यहाँ शनि ग्रह दिया गया है, शुक्र ग्रह दिया गया है और बुध ग्रह दिया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो गा ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका शुक्र ग्रह, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? शुक्र ग्रह जो है वो जुड़वा बहन इसलिए कहलाता है क्योंकि दोनों की जो रोटेशन की सिमिलैरिटीज हैं या दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, इसलिए हम इसको जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सब चलिए समझते हैं। पहले की बात करेंगे तो पहले पे बुध आता है, दूसरे की बात करेंगे दूसरे पे शुक्र आता है, फिर आपका पृथ्वी आता है, फिर आपका आता है मंगल। ठीक है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है, याद रखेंगे। बृहस्पति के बाद आपका शनि आता है, शनि के बाद आपका आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण। ओके, तो ये करेक्ट सिक्वेंस है। तो यहाँ करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सबसे तीसरे नंबर पे पृथ्वी और सबसे आखिरी में देखेंगे वरुण है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे बड़े प्लैनेट की बात करेंगे तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखने के लिए। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं बीच में आपका सूर्य आ जाता है और सभी ग्रह जो है वो एक पथ पर जो है वो परिक्रमा करते हैं सूरज की, तो ये जो पथ है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक लंबा रास्ता है, यानी ये समझ लीजिए इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ जिसको हम कहते हैं इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ। तो ये दो वर्ड हैं, दिमाग में डाल लीजिए, यहां से क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद है हमने ध्रुव तारा के बारे में बात करी थी, तो ध्रुव तारा जो है वो कौन सी दिशा को इंगित करता है या किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो बहुत ही ईजी आंसर रहेगा इसका, बी ऑप्शन, उत्तर दिशा की बात करता है। कौन? ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा को आपको दिखाएगा उसके अलावा। ठीक है, जिससे हम उत्तरी दिशा का पता लग गया तो हम बाकी दिशाओं का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए फिर हम बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच में है, यानी दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो चलिए बताते हैं दोबारा। तो सबसे पास जो होगा आपका बुध, फिर आपका हो जाएगा शुक्र, फिर आपका हो जाएगा पृथ्वी, फिर आपका हो जाएगा मंगल। अब मंगल ग्रह के बाद एक बेल्ट आती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कक्षा कहते हैं। और इसके बाद आपका क्या आता है? बृहस्पति। तो हमें हमारा आंसर यही मिल जाएगा, मंगल और बृहस्पति प्लैनेट के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह की क्या पाई जाती है? कक्षा पाई जाती है। तो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं आपको इसी बेल्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, रात के समय पूरा आकाश किससे भरा दिखाई देता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, जब भी हम दिल्ली में रहकर तो ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो लोग गांव में रहते हैं तो गांव में अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान की तरफ दिखाई क्या देता है? ठीक है, तो छोटी चमकीली वस्तुएं ये भी दिखाई देता है, छोटी धुंधली वस्तुएं भी दिखाई देती है, छोटी चमकती हुई वस्तुएं भी दिखाई देती है। जी हाँ, इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सारी चीजें, चमकते हुए तारे, ठीक है, जितने भी चमकते हुए तारे हैं, कुछ उपग्रह भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, पर उसका एक विशेष टाइम होता है, ये याद रखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माह में कितनी पूर्णिमा रातें होती हैं? तो एक महीने में कितनी पूर्णिमा रातें आती हैं? तो याद रखेंगे सिर्फ एक इसका करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ एक पूर्णिमा रात आती है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये क्वेश्चन जो है टीजीटी के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। एट्थ क्वेश्चन है, पूर्णिमा की रात को और क्या कहा जाता है? तो पूर्णिमा की रात को हम किस और नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो ए ऑप्शन ही है,
पूर्णिमा ही कहते हैं उसको, या फिर हम कहेंगे फुल मून, ठीक है, फुल मून हम उसको कहते हैं, क्योंकि उस दिन पूरा का पूरा चांद आपको दिखाई देगा। और पूरा का पूरा चांद आपको कब दिखाई देगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, तब आपको दिखाई देगी पूर्णिमा रात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या की रात को क्या कहते हैं, यानी अमावस्या की रात नहीं, यहाँ क्वेश्चन गलत है, अमावस्या की काली रात को हम क्या कहते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसका खा भी सही है और गा भी सही है, तो याद रखेंगे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले जितने भी पिंड हैं वो किस चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो सभी जो है वो आकाशीय पिंड होते हैं, क्या होते हैं, डी ऑप्शन, आकाशीय पिंड, यानी आप तारों को देखेंगे, आप ग्रहों को देखेंगे, आप उपग्रहों को देखेंगे, तो वो सभी पिंड जो है वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, सौर मंडल के अंदर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सूरज का। 11वां क्वेश्चन, जिन खगोलीय पिंडों की अपनी रोशनी और गर्मी होती है उनको क्या कहते हैं, यानी वो जो पिंड जिनके पास अपना प्रकाश भी होता है और अपनी गर्मी भी होती है उनको क्या कहते हैं। तो ये जो है इसके बारे में मैंने बहुत क्लियर आपके डिस्क्रिप्शंस जो है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर दे रखी है, वीडियो को जाके जरूर देखें, उसका आपको लिंक दे रख, क्या कहते हैं, आपको प्लेलिस्ट दी गई होगी 6th क्लास की ज्योग्राफी की, तो आप वहां से समझ पाएंगे कि जिनके पास अपनी रोशनी और गर्मी होती है वो सितारे कहलाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा सितारा है, वो है सूर्य, और अगर मैं बात करता हूँ सूर्य के पास सबसे पास कौन सा सितारा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनने वाले विभिन्न पैटर्न को क्या कहते हैं। तो आपने आसमान में बहुत सारे सितारे देखे होंगे, और वो जितने भी सितारे हैं वो एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाते हैं, तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, उस पैटर्न को हम नक्षत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, नक्षत्र के नाम से कहलाएगा, ठीक है, नक्षत्र। चलिए 13th क्वेश्चन यहां दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल नहीं है। देखिए बहुत सारे इनमें से तारामंडल है, पर इनमें से एक तारामंडल नहीं है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ध्रुव तारा दिया गया है, धौले दिया गया है, बड़ा भालू यानी बिग बेयर एंड सप्तऋषि दिया गया। तो 13th का करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार जो है वो एक नक्षत्र मंडल या तारा मंडल नहीं है, वो एक तारा है जो सबसे चमकीला होता है, याद रखेंगे, सबसे चमकीला तारा आपका क्या होता है, तारा मंडल में ध्रुव तारा होता है जो उत्तरी दिशा इंगित करता है। 14th क्वेश्चन है, शब्द ग्रह या प्लेनेटाई से आया है जिसका अर्थ घूमने वाला है, प्लेनेटाई, तो प्लेनेटाई जो एक शब्द है उसी शब्द से प्लैनेट निकला है, तो प्लेनेटाई का जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया बच्चों, तो वो लिया गया है चीनी भाषा से, ठीक है, तो वो किससे लिया गया है, चीनी भाषा से लिया गया, याद रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो देखिए कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनके चारों तरफ आपको वलय देखने को मिलेंगे, यानी मान लीजिए ये प्लैनेट है तो इसके आसपास आपको एक चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो बृहस्पति के पास भी है, शनि के पास भी है, यूरेनस के पास भी है, पर मंगल ग्रह के पास ऐसा कोई भी चक्र नहीं है, ठीक है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा, 8। अब 9वां तो था जिसको हम क्या कहते थे, प्लूटो, अब प्लूटो जो है वो एक बौना प्लैनेट था, ठीक है। अब मैंने बताया था कि किसी प्लैनेट को प्लैनेट की कैटेगरी से कब निकाला जाता है, जब वह किसी दूसरे प्लैनेट के रास्ते को क्या करता है, काटता है, तो 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नेपच्यून के रास्ते को काटता था। चलिए 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने धुरी पर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है। तो मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेनेशन दी थी कि सबसे ज्यादा समय लेने वाला अपनी धुरी पे कौन सा ग्रह है, तो वो आपका होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को लगभग 200 दिन से ज्यादा
का टाइम लगता है अपने ही, जैसे पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, और शुक्र ग्रह को 200 दिन से ज्यादा यानी 256 दिन के आसपास शायद टाइम लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव अपनी धुरी पर घूमने वाला सबसे कम समय लेता है, तो यानी अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम टाइम लेने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा तो शुक्र है, पर सबसे कम की बात करेंगे तो वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे सबसे कम समय लेता है। चलिए आगे देखते हैं 19, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया था बुध ग्रह के पास 0 है, शुक्र ग्रह के पास 2 है, सॉरी शुक्र ग्रह के पास 0 है, ठीक है, बृहस्पति के पास करीबन 96 है आज के टाइम पे, नेपच्यून के पास लगभग 14 है, तो यहाँ बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम में किसके पास प्लैनेट है, सॉरी उपग्रह है, तो वो शनि ग्रह हो जाएगा, करीबन 146 उसके पास है, याद रखेंगे ये भी। चलिए 20, निम्नलिखित में से किस ग्रह को चंद्रमा नहीं है, यानी कौन से ग्रह के पास चंद्रमा नहीं, अपना उपग्रह नहीं है, तो कौन सा प्लैनेट है, अभी मैंने आपको मार्क करवाया था। ठीक है, तो बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। चलिए 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है एक बाहरी ग्रह है, यानी कौन से ग्रह को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। देखिए एक ग्रह होता है आंतरिक ग्रह, समझ लेना आंतरिक ग्रह के अंदर कौन से आते हैं, आपका आ गया बुध, आपका आ गया शुक्र, आपका आ गया पृथ्वी और आपका मंगल आ गया, तो ये आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बृहस्पति, लिस्ट बना लेंगे, ये बृहस्पति है आपका, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण और उसके बाद आपका वरुण, ये बाहरी प्लैनेट है। तो यहाँ पे एक ही बाहरी प्लैनेट दिख रहा है, डी ऑप्शन बृहस्पति, क्योंकि यहाँ दिया गया है, तो ये भी आपको एक टेबल याद करनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग दूरी कितनी है, तो बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, और अगर बात करें करोड़ में तो ये आपका 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी आ जाती है, ये भी याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और पृथ्वी उसके बाद 23rd, अंतरिक्ष से बाहर देखने पर पृथ्वी किसके कारण नीली दिखाई देती है। मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कौन से कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी 2/3 जो हिस्सा है वो पानी है, और पानी होने की वजह से वो एक नीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का व्यास कितना है, यानी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1/4 के आसपास आपका माना जाता है, यानी 1/4 जो है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का व्यास है, 1/4। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 384,400 किलोमीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो लगभग 384,400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सोच लीजिए कितनी ज्यादा दूरी हो जाती है आपकी। चलिए अगला प्रश्न, नील आर्मस्ट्रांग किस तारीख को चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बना। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो 20 जुलाई 1969 याद रखेंगे, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद के ऊपर रखा था। ठीक है, आखिरी के दो प्रश्न 27, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, इनकी एक बेल्ट पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, और ये आपके कहलाएंगे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी इसका करेक्ट आंसर ए नहीं है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है,
तो यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उल्का पिंड होते हैं चट्टान के टुकड़े जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, और उल्का कंड उल्का उल्का कंड की उल्का पिंड की जो है वो पूंछ होती है जो कि हमेशा सूरज के विपरीत दिशा की तरफ जाएगी। याद रखना, सूरज के विपरीत दिशा की तरफ जाती है। चलिए अगला प्रश्न, तारों की विशाल प्रणाली को क्या कहते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो इसको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें उन बच्चों को जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बच्चों। Fearless.